सब्सक्राइब करो NC7 न्यूज नू ते लेटेस्ट अपडेट पाउन ले प्रेस करो बेल आइकन। इस वेले दी वड्डी खबर बच्चन परिवार नाल जुड़ी हुई है। बॉलीवुड दे महानायक अमिताभ बच्चन ते उना दे पुत्तर अभिषेक बच्चन दा बीते दिन कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया सी। उस तो बाद उना दे परिवारिक मेंबरां दे भी कोरोना टेस्ट लाए गए, जिन्हां चों ऐश्वर्या राय बच्चन अते उसदी धी अराया दी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हालांकि पहला इन्हां दोहां दी टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई सी, पर हुण दोहां दी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि जिया बच्चन दी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। यानी बच्चन परिवार तो ही 4 मेंबर कोरोना वायरस ते पॉजिटिव पाए गए ने। अगली अहम खबर आ रही है जलंधर तो। सीनियर कांग्रेसी आगू महिंदर सिंह जेपी दी कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दस दें कि जलंधर दे विच लगातार कोरोना वायरस वधदा जा रहा है। ऐतवार नूं जलंधर जिले च कुल 28 कोरोना दे पॉजिटिव केसां दी पुष्टि कीती गई। इन्हां केसां च साबका मंत्री महिंदर सिंह केपी दी वी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। SSP रूलर समेत कई वड्डे अफसर भी इस दी चपेट दे विच आ चुके ने। रोजाना वध रहे कोरोना पॉजिटिव केसां नूं लै के जिथे सेहत महकमा चिंता च है, उथे लोकां च वी भारी दहशत पाई जा रही है। उथे ही सेहत महकमे ने महिंदर सिंह केपी दी रिपोर्ट पॉजिटिव आउण ते उन्हां दे संपर्क च आउण वाले लोकां दी जांच शुरू कर दित्ती है। ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਕੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਹੈਲਪਿੰਗ ਹੈਂਡ ਦੇ ਉੱਦਮ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 219 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਵਾਈ ਉਡਾਨ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਵਤਨ ਪੁੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਜ਼ੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਵੀਡੀਓ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਲਿਖ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 23 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਪਹੁੰਚੇ। पति आ रहा है, खुशी होता है ना। 6 महीने हो गया फ़ोन नहीं हुआ उन लोगों के साथ। 6 महीने के बाद अभी देखना है, तो मैं हरसिमरत कौर को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। प्लस एक पोल बाजी है, मलेशिया हेल्पिंग लाइन में बैठा है, तो एक राजवीर सिस्टर है, उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि उन लोगों के साथ मैं 4 महीने हो गया बात किया, कि मैं उन लोगों के आगे बहुत बोला कि पाजी सिस्टर मेरा हस्बैंड जैसे भी लिया दो मेरे को, तो उन लोगों ने बहुत हेल्प कर रहा है। मैं अकेली को नहीं, सारे को हेल्प कर रहा है उन्हें, तो आगे भी 600-700 बंदा फंसा है। तो मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि सब लोगों की प्लीज़ पोल डोली और राजवीर सिस्टर को जितना सकता है उतना हेल्प करो। अं भैन जीजा सिंह जी नवान का करना चाहूँ धन्यवाद कि साढ़े बच्चे साढ़े को बचाए गए आ। असं बहुत ज़्यादा खुश हाँ कि जिन्हें बच्चे बाकी वापस रेंगे आ कि वह भी लिया जाए, मावा के पुत भैनों के भरा, तो अं बहुत धन्यवाद अदा करते हैं। बहुत ज़्यादा भी इस मुसीबत आई है कि दस नहीं सकते कुछ भी, ठीक है। बहुत बहुत मेहरबानी उन्होंने कि अं अक गए हैं, साढ़े नाल धोखा होया बहुत वाला। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਉਹਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਫਸੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਜਾਣ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦੀ ਸਤਾਈ ਹੋਈ ਔਰਤ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 7 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਔਰਤ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਸਰਹੰਦ ਵਿਖੇ ਬਣੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਸੀ।
मैडम मेरा किसी पोलिटिकल बंदे झगड़ा से मेरे नाल रिलेशन सी ते जदों नूं मैं चेयरमैन की पोस्ट मिली तो उन्हें मैनू अपने घर बुला के उसकी मिसेज ने मेरे तो परचा दर्ज कराता पिछे MLA की घर वाली है सारे MC है जिन्हें भी फतेहगढ़ साहब के है तो इन्होंने परचा दर्ज करा के 18 फरवरी मेरे से मतलब किया फिर इन्होंने कंप्रोमाइज़ किया मेरे नाल वो अपने कंप्रोमाइज़ इन्होंने कोर्ट के मेरे बयान नहीं दिए इस करके मैं टैंकी से चढ़ना पे रंजिश मेरे सर कोई नहीं मेरे वो रिलेशन से हाँ जी मेरे दो होया सी ते उन्होंने भी उसकी मिसिज ने भी मैनू अपना लिख के दिता सी एफिडेविट भी मेरे मिसअंडरस्टैंडिंग नाल परचा दर्ज हो गया सर पहले परचा दर्ज करानी है फिर गलती मानते हैं तुसी दसो भी जे गलती होगी तो फिर परचा दर्ज किस चीज़ का कराना है मैनू इंसाफ चाहिए सर मैनू कुछ नहीं चाहिए इंसाफ विच मैनू परचा चाहिए भी मेरे दोस्त अपने बलात्कारी तो परचा दर्ज होना चाहिए गुलशन राय बोह विच मार्केट कमेटी चेयरमैन फिर पता नहीं उठ के DSP साहब ने मैंने दसिया भी चले गए ने उस तो बाद फिर अज यह सवेरे साझे पता लग्या भी उत्थे वाटर टैंक से गुरु ग्रंथ साहब यूनिवर्सिटी के कोल चढ़ गए ने जिन्होंने हम फिर इन्हू समझा के दसिया भी इदा नहीं हों सारा सिस्टम च ही रह के चलता ये इनवैसटीगेशन का पार्ट है हरी गल जो यदि ग्रीवियंस है वो बारे भी असं बिल्कुल तय दिलों सच्चे दिलों सोचा निरपक्ष होकर सोचा कोई किसी का प्रैशर नहीं जो ये बार बार एलीगेशन ला रही है बाकी ये कमिटमेंट हुई है भी अभी सैट बना देंगे ठीक है जी वो हूँ किसी लेडी अफसर की सुपरविजन हेठ अभी जी सैट बना देंगे तो बाकी कोई गल नहीं जी इन्हों फेयर होगा धक्का नहीं होगा ठीक है एक पासे जिथे कांग्रेस सरकार सिविल हस्पतालां सहूलतां देण दे वड्डे वड्डे दावे करदी है उथे कुछ अजिहे दावे खोखले हुंदे नजर आ रहे ने मामला है सिविल हस्पताल गुरु हर सहाय दा गुरु हर सहाय दे सिविल हस्पताल दे विच आजादी दे कई दहाकियां बाद भी लोग पीण वाले पानी नूं तरस रहे ने अते हस्पताल अंदर अपने इलाज लई दाखिल होए मरीजां दे परिवारिक मैंबरां नूं भी पीण वाला साफ पानी 1 किलोमीटर तों लियाउणा पै रिहा है इस मौके मरीजां ने दस्सिया कि सिविल हस्पताल अंदर पीण वाले पानी दी समस्या इक बड़ी शर्मनाक गल है कोरोना महामारी दे इन्हां दिनां दे विच बाथरूम फ्लशां अंदर फैली बदबू कारण भयानक बीमारियां दा खतरा बनिया होया है लोकां ने कैबिनेट मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी ते सेहत मंत्री पंजाब अते प्रशासन तों मंग कीती है कि हस्पताल गुरु हर सहाय अंदर पीण वाले पानी दी समस्या तुरंत हल किया जाए ये तस्वीरां बरनाला दियां ने जिथे बरनाला मोगा हाईवे ते बने ओवर ब्रिज दे कोल सड़क दा एक वड्डा हिस्सा जमीन दे हेठां धस गया सब तो वड्डी गल ये है कि यह सड़क महज 5 दिन पहला ही बनाई गई सी जिसके बाद अज यह जमीन दे हेठां धस गई तस्वीरां च विखाई दे रहा है कि किन्ना वड्डा हिस्सा किन्नी डूंघाई दे विच हेठां धस चुका है हालांकि गलीमत रही कि कोई वड्डा हादसा हुण टल गया पर जो आस पास के लोग ने उन्होंने इस कारण भारी दिक्कतों का सामना करना पै रहा है लोगों का कहना है कि इस कारण उन्होंने मकानों भी नुकसान होया है जिसके चलते लोगों ने सड़कों से धरना लगाया और कुताही वर्तन वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है ਕੱਠ ਕਰਿਆ ਜੀ ਸੜਕ ਆਪਣੇ ਬਣਾਈ ਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਪਿਆ ਹੈ ਰੂਲਰ ਸਰ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਸੜਕ ਬਹਿ ਗਈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ 8-8 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਨਾਲੇ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ 6-6 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਸੜਕ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦਾ 6 ਫੁੱਟ ਨੀਵਾਂ ਨਾਲੇ ਬਣੇ 8-8 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ ਆ ਕੇ ਆਰਜੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀ SSP ਜੋ DC ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਅਗਲਾ ਨਾਲੇ 'ਚ ਗਏ ਜਾਣ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਸੜਕ ਸਾਡੀ ਲੇਵਲ 'ਚ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਸੜਕ ਰੋਕਾਂਗੇ ਧਰਨੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਫਿਲਹਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਸੜਕ ਦੇ ਧਸਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ
देश कोरोना इन्फेक्शन के रोजाना मामलों बहुत तेजी से वाधा हो रहा है। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 28,000 तो वध मामले सामने आए हैं, जिस नाल पीड़ितों का आंकड़ा 8,50,000 के करीब पहुंच गया है। केंद्रीय सेहत और परिवार कल्याण मंत्रालय वालों एतवार को जारी आंकड़ों के अनुसार देश भर पिछले 24 घंटों दौरान कोरोना इन्फेक्शन के 28,637 नवे मामले सामने आए हैं, जो एक दिन सब तो वध है। इस नाल पीड़ितों की गिनती 8,49,533 हो गई है। पिछले तीन दिन तो लगातार 26,000 तो वध मामले सामने आ रहे हैं। इन्फेक्शन के तेजी नाल वध रहे मामलों दरमियान राहत की गल यह है कि इस नाल सेहतमंद होने वालों की गिनती भी लगातार बढ़ रही है।